दोस्तों आज हम बनाएंगे व्रत में खाने वाली साबूदाना ड्राई फ्रूट्स नमकीन। इस नमकीन में बहुत सारा प्रोटीन होता है, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नमकीन बनाने के लिए हम आधा कप साबूदाना में एक चम्मच पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। इसे अलग रख देंगे। अब एक पैन में आधा टेबल स्पून घी डालेंगे। इसमें डालेंगे एक कप मखाना। इन्हें हम 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर भूनेंगे। मखाना को हम कटोरी या प्लेट में निकाल लेंगे। इसी पैन में हम आधा टेबल स्पून घी और ऐड करेंगे। इसमें हमें डालना है 10 से 12 बादाम जो कि बारीक कटे हैं। बादाम को हम 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूनेंगे। इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। फिर से हम आधा टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। इसमें जाएंगे 10 से 12 काजू। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। काजू को प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन में कटा हुआ नारियल डालेंगे। नारियल को हमें हल्का ही भूनना है। इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन में आधा कप खरबूजे के बीज डालेंगे। ये बीज हमें धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट ही भूनना है। बीजों को प्लेट में निकाल लेंगे। पैन में 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। इसमें जाएंगे आधा कप मूंगफली के दाने। मूंगफली के दानों को हमें 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर भून लेना है। इन्हें कटोरी या प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक पैन में तेल गरम करके इसमें 1 बड़े आलू के लच्छे डालेंगे। लच्छे बनाने के लिए आप आलू को छीलकर धो लेंगे और कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो लच्छे पतली पतली चॉपिंग करके भी बना सकते हैं। इन्हें गरम तेल में फ्राई करेंगे।
लच्छे क्रिस्पी बनाने के लिए इन्हें धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर के होने लगे हैं। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर लगी प्लेट में निकाल लेंगे। तेल थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें साबूदाना डालेंगे। इसे ढक्कन से ढक देंगे। साबूदाना को हम धीमी आंच पर ही तलेंगे। ढक्कन खोलेंगे। साबूदाना के दाने फूलकर कुरकुरे हो गए हैं। प्लेट या कटोरी में निकाल लेंगे जहां इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। अब एक मिक्सिंग बाउल में आलू के लच्छे डालेंगे। अब इसमें जाएगा साबूदाना, मूंगफली के दाने, मखाना, बादाम, काजू, नारियल, खरबूजे के बीज, किशमिश, सेंधा नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साबूदाना ड्राई फ्रूट्स नमकीन तैयार है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें।